के पहुंचता हुआ पहली ओवर लेकर सज्जे होते हुए रवि नीलेश राउत मंच के ऊपर आना है। वेलकम नीलेश राउत प्लीज वेलकम। पहली गेंद है तेज है शानदार गेंद थी गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद है कीपर के दस्तानों में टॉप के रूप में इस डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत यहां पर जरूर की है प्रदीप। अगली गेंद लेकर सज्जे होते हुए पावर प्ले का बंधन इस वक्त जारी है तो सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन इस तरीके से दीप में दो खिलाड़ियों को तैनात किया है। पावर प्ले का ये बंधन इस वक्त जारी है। पहली गेंद रही डॉट के रूप में प्रदीप की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार होंगे। फिर से एक बार जयेश लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है डेंजर बल्लेबाज माना जाता है इन्हें। इसी बीच उनकी ये गेंद के लिए प्रहार किया लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर रही। अंपायर ने अपने हाथों को फहराया और इस गेंद को वाइड घोषित जरूर किया है। आज जितने भी मैचेस हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली मैचेस है सभी चार ओवरों की खिलाई जाएगी उसके बाद कमेटी के पास अगर समय होगा तो उस समय के अनुसार मैचेस आज खिलाई जाएंगी ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्रदीप फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर नजर आते हुए जयेश सामना करने के लिए फिर से तैयार होते हुए इस बार तेज तरार गेंद थी ऑक्सलम को पूरी तरीके से उड़ाती हुई गेंद विक्टो का पतन करती हुई गेंद और पहला छक्का इस वक्त लगता हुआ भाग्य 11 वापी गिरी को। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा यहां पर युगा भाव एमसीसी वर्सेस कुणाल स्पोर्ट्स वाग्बी। एक इनिंग की समाप्ति के बाद यहां पर टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपके कैप्टन को यहाँ पर एक इनिंग से पहले उपस्थित होना जरूरी। आज का अंतिम और आखिरी दिन है राजू भाई स्पोर्ट्स गोलीवाड़ा प्रेजेंट राजू भाई चषक 2020 में और इस वक्त विकेट का बदल हुआ है न्यू बैट्समैन आता दोन बॉल भूषण न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए सरोज एक तरफ कमान संभालेंगे लेकिन लॉन्ग स्ट्राइक हैंड पर अभी भी माटिया विकेटों के बीच तैनात है और इस ग्राउंड पर उनका इतिहास है। उन्होंने शिनोबा स्पोर्ट्स प्रेजेंट शिनोबा चषक में 49 रन की जो पारी खेली थी वो यादगार पारी जरूर रही। अब देखने वाली बात यह है कि इस वक्त राजू भाई स्पोर्ट्स चषक 2019 में 20 में इनका कैसा परफॉर्मेंस होगा। गेंदबाज प्रदीप एक सफलता अपने नाम जरूर अर्जित की है। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए भूषण के लिए तेज तर्रार गेंद थी बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ की गेंद रही सुरक्षित कीपर के हाथों में और इस डॉट डिलीवरी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस वक्त हाई नजर आता हुआ गेंदबाज प्रदीप का। तीन गेंदें अब तक कर चुके हैं एक वाइड है अतिरिक्त रनों से खाता खुला है भाव्य 11 का। इस बार मात्र गेंद को दिशा देने की कोशिश की थी लेकिन बैट का मोटा सिरा लेकर गेंद हेडर के क्षेत्र में क्लिप की गई। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर कलम चलती हुई और स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 2 रन। बिल्कुल इस वक्त माटिया को सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए टारगेट एक सेट करना है तो जरूर ये मास्टरमाइंड बैट्समैन माने जाते हैं अपनी टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस जरूर करते हैं। बूम बूम माटिया के नाम से मशहूर है देवत पाटिल इस वक्त सामना करने के लिए सज्ज होंगे प्रदीप का। इसी बीच बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर थी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील किया गया लेकिन थ्रो की अगर बात करें तो काफी खराब थ्रो शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के द्वारा स्कोर आ सकता हुआ 3 रन और इस वक्त माटे ने जरूर अपना खाता यहां पर 1 रन के साथ खोला।
भूषण सामना करने के लिए फिर से एक बार प्रदीप का तैयार होते हुए, अब तक के कोई बड़े हिट खेलने का मौका नहीं दिया है प्रदीप ने इस बार देखिए ये गेंद ब्यूटीफुल डिलीवरी गति के साथ साथ गेंद में उछाल की जो कमी थी उसका फायदा गेंदबाज को मिलता हुआ ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर भव्य 11 की टीम का स्कोर है 3 रन। तो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा युगाभाऊ एमसीसी वर्सेस कुणाल स्पोर्ट्स वापी। दोनों ही टीम के कैप्टन आपको रेडी पोजीशन में रहना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौन चल तुम टाइम मैं तो जाते हैं मम्मी भी नहीं जाए चल रहा हूँ कब आई ले अरे वो टाका गोर संपले वो ये अश्विन थोड़ा इधर से और क्या रे इधर आ इधर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है अमित अमित के कांधों पर इस जिम्मेदारी जरूर दी गई, लेकिन प्रदीप की मैं प्रशंसा जरूर करूंगा कि आप बेहतरीन गेंदबाजी की 3 रन देकर 1 मिले। गेंदबाज सज्ज होते हुए इस वक्त अमित इसी बीच ये गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत लेकिन गेंद तेज गति से कीपर के पास डिलीवर होती हुई टॉट के रूप में। इस तरीके की अगर गेंदबाजी कंटिन्यू चलती रही रुमान स्पोर्ट्स की तो यहाँ पर भाव्य 11 की भी तो इस दुविधा में जरूर आ सकती है, लेकिन भाव्य 11 के पास बैटिंग लाइनअप काफी लंबा चौड़ा बैटिंग लाइनअप है माना जाता है इस क्षेत्र में। सर्दी झाले चिंगम बाहेर उडला का काय मनीषी आनंद जी तरे साहेब आपल्याला विनंती आहे मंचावरती यायचं साहेब आपला मनापासून हार्दिक स्वागत राजूभाई स्पोर्ट्स प्रेझेंटर राजूभाई चषकर 2020 मध्ये सुस्वागत साहेब। चलिए सिंगल सिंगल से रनों का जो आंकड़ा है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़े स्ट्रोक देखने नहीं मिलते हुए। इसी बीच ये गेंद इस बार भूषण बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद काफी समय तक लगे हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में इस कैच को मिड विकेट के खिलाड़ी ने पकड़ा है प्रदीप ने। बिल्कुल आज इनका लक चल रहा है, पहली ओवर शानदार की उसके बाद अच्छी कैच यहाँ पर उन्होंने जरूर पकड़ी है, विकेट का हुआ है पतन और यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ भाग 11 वापिस गिरी। नेक्स्ट मैच युगाभाव एमसीसी वर्सेस सुनील स्पोर्ट्स वापिस रेडी पोजीशन में रहिएगा। न्यू बैट्समैन रोमित एक बड़ा नाम एक बड़ा सितारा इस टीम का इस वक्त हिटों के बीच परफॉर्मेंस करने के लिए जरूर उतरता हुआ हर चीज में प्रोफेशनल पना दिखता है इनमें, वो क्रिकेट हो या फिर कोई गेम। यस सर क्या बात है, कल एरोली की अगर बात करें तो वहां पर इन्होंने 5 गेंदों में 5 रन ऑपोजिट टीम को करने नहीं दिए, क्या बात है। रोमित काफी अच्छे फॉर्म में है, गेंदबाजी के साथ साथ एक डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज भी माना जाता है। और बिल्कुल रोमित की अगर हम बात करें तो इनके काफी सारे रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, अच्छी टूर्नामेंट्स में इन्होंने परफॉर्मेंस जरूर किया है और अपनी टीम को एक जीत हासिल कराने की चाहत और कोशिश इनकी हमेशा बरकरार रहती है। उसी तरीके से भले से पबजी हो या फिर क्रिकेट हो जीत का नशा है इस खिलाड़ी को। नॉन स्ट्राइक हैंड पर
रोमित है, रोमित डाकी स्ट्राइक पर है, मारा इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ पर। स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। अब तलक की गेंदें हो चुकी हैं 4। रनों की अगर हम बात करें, रनों की रन संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि जिस वक्त रोमित और यहाँ पर माटिया जैसे, दैवत पाटिल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो रनों की जो दरकार होती है वो ज्यादा होती है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार तकरार गेंद थी, कानों के पास से गुजरती हुई और गुड मॉर्निंग कहती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में टॉट के रूप में। इस टॉट डिलीवरी के साथ गेंदबाज सफल ओवर की तरफ अमित कदम जरूर बढ़ाते हुए। अगली गेंद इस बार बूम बूम माड़िया ऑन फायर, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है। मैंने पहले कहा था ये खिलाड़ी को आप जितना भी कोशिश कर लो वो रोकना उनके लिए बिल्कुल गेंदबाजों के लिए मुश्किल माना जाता है। अंतिम और आखिरी गेंद पर ओवर का पूरा दृश्य चेंज कर दिया। इस ओवर में आए 8 रन और विकेट की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर कन्वर्ट हुआ है। इस वक्त 2 आंकड़ों में स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। 11 रन स्कोर बोर्ड पर इस वक्त नजर आते हुए। नेक्स्ट मैच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन, आपको संपर्क साधना है सुनील स्पोर्ट्स वागबिल वर्सेस योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स। चलिए कैप्टन आपको कांटेक्ट करना है कमेंट्री बॉक्स के पास, क्योंकि हम एक इनिंग के बाद टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हैं। गेंदबाजी कमान पर आए हैं इस वक्त अश्विन। अश्विन के हाथों में गेंद दी गई है और जिस तरीके से किफायती गेंदबाजी अब तलक के देखने मिली है ब्रह्मांड स्पोर्ट्स की टीम की ओर से, क्या उसे बरकरार रखने में कामयाब होंगे यहाँ पर अश्विन। अश्विन की पहली गेंद, बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, अपील जरूर की अंपायर से क्या इनर एज लगा है या फिर नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर अपील को अंपायर ने नकारा है और गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। बिल्कुल अगर इस अब तक के बॉलिंग की व्यवस्था देखी जाए तो लगभग 8 से 10 गेंदें टॉट हो चुकी हैं, जिसमें एक बड़ा हिट जरूर दैवत के बल्ले से निकला है और 2 विकेटें भी जा चुकी हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार जूसी फुट टॉस, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए, लेग वाइज के रूप में 1 रन मिलेगा जरूर और यहाँ मेरे ख्याल से गेंद डिक्लेयर जोन में परिवर्तित हुई है। बैट्समैन के ऊपर डिसीजन है कि वो स्ट्राइक ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। नॉन स्ट्राइक हैंड के बैट्समैन है, अब देखने वाली बात यह है कि स्ट्राइक रखेगा कौन अपने पास, क्या दैवत रखते हैं। यस, दैवत ने यहाँ निर्णय लिया कि इस गेंदबाज को मैं फेस करता हूँ, आप नॉन स्ट्राइक हैंड पर खड़े रहें। और दैवत के पास बड़े स्ट्रोक का भंडार है, हमने पहले कहा ये गेंदबाज कोशिश जरूर करेंगे रोकने की, लेकिन दैवत है यहाँ पर मेहनत अपनी टीम के लिए जरूर करेंगे बड़े हिट लगाने के। इसी बीच ये गेंद, मैंने पहले कहा था ये खिलाड़ी डेंजर, ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए रनों की मशीन का काम करता है। जब भी विकेटों पर खड़े रहेंगे बड़े हिट के साथ आगाज करेंगे और ये ग्राउंड उनके लिए लकी है, ये चीज को उन्होंने प्रूव किया है। 49 रन इन्होंने श्रीनोबा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जरूर मिर्ची पानी खेली थी। 49 रन 600 की हैट्रिक पर है इस वक्त
दो गेंदों पे दो सिक्स जड़ चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर है 18 रन। तीसरा ओवर इस वक्त जारी है और तीसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली है अश्विन ने। स्कोर 18 रन। इस बार बड़ा हिट और गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। ऐसे ही नहीं, इनका नाम भूख भूख माटिया पड़ा है। यहाँ पर उन्होंने ये चीज को प्रूव किया है कि मुझे क्यों कहा जाता है। इस ओवर में उन्होंने दो बड़े हिट लगाकर अपनी टीम को एक अच्छे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्कोर है 24 रन। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। अश्विन और आखिरी गेंद का सामना यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर अंपायर्स कुछ आपस में बातचीत करते हुए, अब देखने वाली बात ये है कि क्या डिस्कशन और क्या निर्णय अंपायर्स का आता है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार अश्विन। किसी बीच जी गए देवत बड़ा हिट लगाने की चाहत, खेला तो है स्ट्रोक का, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। दो रन की यहां पर डिमांड है, लेकिन दो रन पूरे किए, पीछे बैकअप नहीं है और उसके कारण मिलते हुए इस वक्त 3 रन स्कोर जा पहुंचा है लगभग 27 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अश्विन की अगर बात करें तो काफी महंगा ओवर किया है, 16 रन इस ओवर में इन्होंने खर्च किए। स्कोर है 27 रन। गेंदबाजी पे लाया गया है राज को, क्या कहते हैं आज देखना होगा राज। 6 गेंदें बची हैं और सामना करने के लिए सेट बैट्समैन जिन्होंने अब तक के 3 सिक्स जड़ दिए हैं। 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जबकि टीम का स्कोर है 27 रन। राज की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद टॉप के रूप में रही, राज ने अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की है जरूर।
राज की अगली गेंद फिर से एक बार पहली गेंद तो डॉट के रूप में की है, दूसरी गेंद का क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात जरूर डाइवर्टर मिस टाइम स्ट्रोक जरूर देखने मिला और बार गेंद को फील्ड करने की चाहत यहाँ पर जरूर जताई थी गेंदबाज ने लेकिन यहाँ पर एक रन से ज्यादा युगा भाव एमसीसी वर्सेस सुनील स्पोर्ट्स वाग भी ऑफिशियल कॉल है इनिंग की समाप्ति के टाइम पर आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है टॉस के लिए ये चीज सर ध्यान में रखिएगा फुल टॉस दिए स्विंग किया गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड्स कर लेग बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी दर्शक बन के देखते रहे और गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई चार रन हो गया योगेश पाटिल अगर आपके कैप्टन नहीं आ रहे तो आपको आ रहे और गणेश मोहेरा सर यह टॉस साड़ी अगली गेंद इस बार रोमित और ये रोमित के बल्ले से पावरफुल स्ट्रोक डीप कॉक कॉर्नर बाउंड्री के बाहर छेदा व्हाट अ हिट रोमित अब इस वक्त लय में आ चुके हैं स्कोर की अगर बात करें तो 38 स्कोर दर्शाता हुआ 38 रन ओवर दो गेंदों का खेल अभी भी बाकी है दो गेंदों पे दो बड़े हिट रोमित ने जरूर जड़े एक चौका और एक छक्का यहां पर रोमित डाकी के बल्ले से जरूर देखने मिलता हुआ इसी बीच अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया गेंद जाती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और यहां पर देखिए विकेट त्याग दिया है गेंदबाज बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज दैवत पाटिल ने चलिए न्यू बैट्समैन 30 रन हो चुके हैं 40 रन के लिए एक रन कम है 39 रन स्कोर 39 रन अंतिम और आखिरी गेंद आना शेष सामना यहां पर करने के लिए तैयार फिर से एक बार रोमित पटकी हुई गेंद थी पुल किया पुल पावरफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए व्हाट अ हिट इस 6 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 45 रनों पर टारगेट है 46 रन मैं रिक्वेस्ट